नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल संकल्प स्टडी सर्कल में और एप्लीकेशन में संकल्प स्टडी सर्कल में। तो बच्चे, आज मैं आप लोग को रीजनिंग का पहले पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, टॉपिक समझाऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक है, देन उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे, अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं थोड़ा सा आप देख लेना, एक मतलब आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करेंगे, तो रीजनिंग अगर अभी जो एग्जाम में आप देते हैं, जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का आपने दिया होगा, तो उसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अभी आपने जो पेपर दिया सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, या फिर सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया जो रिसेंटली हुआ है, अब आप एसएससी के भी एग्जाम देंगे, अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किए होते तो आपको मेंस देने को जरूर मिलता, क्योंकि कट ऑफ भी काफी कम गया है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम होंगे एसएससी वगैरह के, सीपीओ का होगा आपका अक्टूबर में, तो आप सारे एग्जाम के लिए अभी तैयार रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि व्यापम का एग्जाम तो उसके बाद ही होगा, क्या बोलते हैं आपका, जब आरक्षण वाला मुद्दा क्लियर होगा, जो कि 23 मार्च से स्टार्ट होगा, उसके बाद कब तक जाएगा हम ये नहीं कह सकते, शायद एक दो महीना और लग जाए, ठीक है, आखिरी सुनवाई है। तो अगर हम लोग बात करते हैं बच्चे किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक होता है बच्चे कौन सा, वर्बल रीजनिंग, और एक क्या होता है बच्चे, नॉन वर्बल। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग का भाग जो है बच्चे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा है, वर्बल है। नॉन वर्बल की मैं बात करूं तो ये कुछ एग्जाम में पूछता है, कुछ एग्जाम में नहीं पूछता है, बैंकिंग को छोड़कर हर एक एग्जाम में आता है। अभी आपने सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा, तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आए थे नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिगर्स दिए रहेंगे, एम्बेडेड फिगर या डिस्ट्रीब्यूटेड फिगर, ऐसे करके जो क्वेश्चंस आए थे ब्लैक कलर का देखा होगा अगर आपने पेपर, तो वो सारे क्वेश्चन नॉन वर्बल के थे। तो नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे ज्यादा इजी भी होता है, बहुत आसानी से बन जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, और इसकी करीब बच्चे 7 से 8 घंटे की क्लास है, और इस 7 से 8 घंटे में ये पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है। तो इसको बकायदा अभी कराएंगे, अभी बीच में मैंने बोला था करवाने के लिए बट मैं नहीं करवा पाया था, लेकिन ऐसे 7 से 8 घंटे का वीडियो टाइप का आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि पूरा कंप्लीट होगा। करीब 9 से 10 टॉपिक होते हैं, 9 से 10 टॉपिक होते हैं, एग्जाम में तो एक ही टॉपिक से क्वेश्चन आया था, लेकिन होते कितने हैं, 9 से 10 टॉपिक, तो हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग का, तो वर्बल रीजनिंग की अगर हम बातचीत करें, तो बच्चे वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो एक तो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब अक्षरों पे आधारित क्वेश्चन होते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, तो एक तो पूरा वैरायटी उसमें 7 से 8 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, तो हर एक वैरायटी को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन इसमें, तो एक होता है अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन, अक्षरों पे आधारित क्वेश्चन, इनके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलग अलग वैरायटी होती है, बकायदा जो मैंने सिलेबस रखा उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, फिर उसमें मिक्स्ड कोडिंग भी होता है, नंबर कोडिंग भी होता है, ऐसे अलग अलग वैरायटी होते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, तो इनके बहुत ही अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, हर एक वैरायटी हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद बच्चे होता है संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, कौन से बच्चे, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, नंबर पे आधारित क्वेश्चन भी इसमें, जैसे नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए रीजनिंग में, ठीक है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हो गए, तो ये सब वैरायटी बच्चे इस वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। साथ में और टॉपिक कौन कौन से, जैसे कैलेंडर हो गया, जैसे बच्चे क्या हो गया, क्लॉक हो गया, पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या हम कवर करेंगे रीजनिंग में, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन सा आता है, अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन, संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोलिज्म जिसको न्याय संगत आप बोलते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटीज असमानताएं, ठीक है, फिर उसके बाद और भी स्टेटमेंट वाले, कथन पे आधारित क्वेश्चन, पूर्व धारणाएं, ऐसे बहुत अलग अलग वर्ग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सब बच्चे वैरायटी है इनके, समझ में आ रहा है। पहले तो आपके सामने मैं जो डिस्कस कर रहा हूं, पहले मैं आपके सामने टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं कि कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें बहुत लंबे हैं, करीब इसमें 18 से 19 टॉपिक हैं, और इसमें बच्चे गिनती के 9 टॉपिक हैं, तो वर्बल और नॉन वर्बल के हिसाब से पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो अभी आज की क्लास जो हम लोग रीजनिंग की स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले बच्चे मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज की क्लास का जो मेन फंडा रहेगा, मेन जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा वो क्या होगा बच्चे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बच्चे अंदर आते जाओ, क्योंकि अभी जब तक स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, अभी एक्चुअली अभी एग्जाम हुआ है तो कम स्टूडेंट रहेंगे, तो ऊपर ही क्लास लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन में अलग मेहनत मेरा नहीं जाएगा फिर, और फिर जैसे स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी तो मैं नीचे फिर चले आएंगे, फिर अपन ऑनलाइन अलग से लेना पड़ेगा, अभी एक साथ हो जा रहा है तो ईजी है, ठीक है।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहला जो चैप्टर बच्चे हम लोग रीजनिंग में जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आइए कोडिंग एंड डिकोडिंग से शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत अलग अलग वैरायटी के चैप्टर होते हैं, इनका बकायदा मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर बच्चे आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम क्या है बच्चे? कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग की बात अगर हम करेंगे तो इससे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म है, आने ही हैं, क्लियर है कि नहीं? अब कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक है क्या, पहले इसके बारे में समझना पड़ेगा। ये टॉपिक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, किस तरीके से कवर करना है, ठीक है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग की मैं बात करूंगा अगर, तो सबसे पहले बच्चे इसको 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में बच्चे? 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं लेटर कोडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? हिंदी में भी बच्चे कोडिंग एंड डिकोडिंग ही लिखिएगा। सबसे पहला भाग इसका होता है लेटर कोडिंग, अक्षरों का कोडिंग, अक्षरों का कोडिंग। लेटर मतलब वो जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, इन्हीं को हम लेटर बोलते हैं। और लेटर कोडिंग पे आधारित हम तो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, इसका बेसिक बताऊंगा। बिना बेसिक के आपको कोई भी टॉपिक अगर आप टच करेंगे तो आपको क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगेगा। तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा पहले पूरा फंडामेंटल क्लियर कर दूं, उसके बाद किसी भी टॉपिक को उठाऊं तो उसके एक एक करके हर एक वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सबसे पहला होगा लेटर कोडिंग। सेकेंड नंबर पे बच्चे जो लेटर कोडिंग होगा उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कौन सा बच्चे? नंबर कोडिंग। क्या पढ़ाऊंगा बच्चे? नंबर कोडिंग। सेकेंड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चे? नंबर कोडिंग। एंड थर्ड नंबर पे बच्चे पढ़ेंगे क्या हम लोग? मिक्स्ड कोडिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चे? मिक्स्ड कोडिंग। और ये 3 भाग से ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, पहले आप लोग नोट भी करते जाइएगा, बाकी इसका मैं देखता हूं जो लिख रहा हूं ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना क्लियर है यहां तक? तो हमने लेटर कोडिंग की बात की, नंबर कोडिंग की बात की, मिक्स कोडिंग की बात की। तो सबसे पहले इस टॉपिक का मतलब पहले समझो और फिर उसके बाद बेसिक में आते हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब क्या है? आप कोई आपको एक शब्द दे देगा, क्या दे देगा? शब्द दे देगा। जैसे मान लो कोई शब्द दे दिया, प्लैनेट लिख दिया, और ये इंग्लिश में ही लिखा रहेगा बच्चे, हिंदी में नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि हिंदी में दिया रहेगा। प्लैनेट कोई शब्द दे दिया और इस शब्द को किसी दूसरे शब्द से कोड कर दिया, और आपको कोई नया शब्द पूछ लेगा, बताएगा कि इसको कैसे कोड करेंगे बताइए, तो आपको करना क्या होगा? ये शब्द जो इस शब्द के तहत बना है उसके पीछे आपको ढूंढना होगा कि कौन सा पैटर्न लगा है, कौन सा पैटर्न लगा है और कौन सा लॉजिक लगा है। आपको क्या पहचानना होगा? पैटर्न और लॉजिक। जब आप पैटर्न और लॉजिक की पहचान करना सीख जाएंगे तो आप उसी पैटर्न और लॉजिक के हिसाब से इस वाले शब्द को कोड करके यहाँ पे नया शब्द बना देंगे, और वो नया शब्द आप किस में देखेंगे? ऑप्शन में। अगर वो ऑप्शन से मैच करेगा तो आपका जवाब होगा, क्लियर है कि नहीं? तो सवाल यहाँ पे क्या फंसता है कि सर हमें 2 चीजों पे काम करना है, हमें पैटर्न समझना है और साथ में क्या समझना है? लॉजिक समझना है। तो मेरा जो उद्देश्य होगा आपको पैटर्न समझाना कि कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका दिमाग ऑन द स्पॉट एग्जाम में लग जाए, और फिर मैं साथों साथ क्या सिखाऊंगा आपको? लॉजिक कौन कौन से लगते हैं, क्लियर है कि नहीं? जब आपका पैटर्न और लॉजिक क्लियर होगा तभी आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन को बहुत स्मूथली सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है यहां तक? तो अभी इसकी बात हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ये सारी बातें तब होंगी जब आपका फंडामेंटल और बेसिक क्लियर होगा। बिना बेसिक क्लियर किए आपको नहीं बनेगा ये टॉपिक। तो बेसिक का मतलब क्या है? आपको अक्षरों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको अक्षरों की नंबरिंग याद होनी चाहिए। अक्षरों की क्या याद होनी चाहिए? नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो आइए हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं, अब यहां से क्लास शुरुआत होता है, पहले इतना ठीक है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसका सबसे पहला भाग कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? लेटर कोडिंग। कौन सा पढ़ रहे हैं? लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग को सीखने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक पे चलेंगे। तो बेसिक का मतलब क्या है पहले सुनिएगा और समझिएगा। बेसिक का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं बात करूं अक्षरों की, तो टोटल कितने अक्षर होते हैं पहले ये बताइएगा। टोटल कितने लेटर्स होते हैं बच्चे? 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। कहां से कहां तक बच्चे? ए बी सी, कहां तक होते हैं बच्चे? जेड तक। कितने होते हैं बच्चे? 26। ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। अब ये जो एबीसीडी है तो ठीक है, लेकिन आपके सामने अगर ऐसा कोई भी शब्द लिखा हो तो शब्द किससे बनता है? अक्षरों से। तो उन अक्षरों की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए।
और नंबरिंग कैसे याद होगी, इनकी नंबरिंग कैसे याद करेंगे, तो नंबरिंग दो प्रकार की होती है। एक होता है बच्चे बायां छोर से, कहां से बच्चे बायां छोर, बायां छोर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट एंड, क्या बोलते हैं लेफ्ट एंड। बायां छोर से एक ही नंबरिंग क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं ये बताइए, ए से लेकर जेड तक अगर कोई एक सीरीज है पूरी, एबीसीडी का पूरा सीरीज है, तो लेफ्ट एंड से ए का नंबर क्या है 1, बी का नंबर क्या है 2, सी का नंबर क्या है 3, उसी प्रकार से एक्स का नंबर क्या होगा 24, वाई का नंबर क्या होगा 25 और जेड का नंबर क्या होगा 26। ये बायां छोर से नंबरिंग है, क्लियर है नहीं? ये नंबरिंग तो ठीक है लेकिन आपको ये कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो आपकी स्पीड नहीं बनेगी, और स्पीड नहीं बनेगी तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में बड़ा मुश्किल होगा, मतलब निकलेगा ही नहीं एग्जाम। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप टाइम बचा सकते हैं। मैथ्स में भी टाइम बचता है, रीजनिंग में भी बचता है, लेकिन इस समय अगर मैं बात करूं, खासकर एसएससी के एग्जाम की मैं बात करूं, सीजीएसआई में आप बचा लेंगे, दिक्कत नहीं है, मेंस में भी बचा लेंगे, प्रीलिम्स में भी ज्यादा दिक्कत नहीं था, मेंस में भी बचा लेंगे, इवन जो पीएससी का पेपर आया था उसमें भी बच जाएगा। लेकिन अभी एसएससी की मैं बात करता हूं, एसएससी का जो अभी एग्जाम हो रहा है, जो नए पैटर्न पूरा बदल दिया है, जिसमें जीएस वगैरह सब इंक्लूड कर दिया है मेंस ने, तो उसमें नए पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा टाइम वहां पे ज्यादा लगता है, क्योंकि बैंकिंग का स्तर जो होता है उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। आजकल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो बैंकिंग की ओर थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं। जैसे अगर मैं पीएससी की बात करूं तो पीएससी का जो सीसेट का पेपर था उसे मैथ्स के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो उसमें एडवांस मैथ्स पूछा था, जबकि एडमिन्स में तक एडवांस मैथ्स नहीं लेकिन प्रीलिम्स में पूछा है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। बात समझ में आ रहा है? तो आपका स्तर थोड़ा थोड़ा एग्जाम का बढ़ रहा है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना, और खासकर अगर आप एसआई का एग्जाम देने वाले हैं तो एसआई के लिए याद रखिएगा, पहले से प्रिपेयर रहिएगा हर एक स्थिति के लिए। अगर आप सोचेंगे कि अपने आप हो जाएगा, कि हम हल्का हल्का पढ़ के जाएंगे बन जाएगा, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हल्का हल्का करने वाले सारे बच्चे रहेंगे, एवरेज बच्चे सब हैं, लेकिन आपको उनसे ऊपर जाना पड़ेगा। प्री और मेंस में ये थोड़ा अंतर रहेगा, क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चे बायां छोर, तो बायां छोर से ये नंबरिंग होती है, इस नंबरिंग को याद कैसे करना है पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे, क्लियर है कि नहीं? उसके बाद जब बायां छोर की नंबरिंग आपको याद हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको नंबरिंग जो कराऊंगा बच्चे वो कहां से कराऊंगा, दायां छोर से। कहां से कराऊंगा? दायां छोर से। दोनों याद होना चाहिए, कैसे याद होगा अभी बताएंगे। दायां छोर मतलब राइट हैंड, मतलब क्या राइट हैंड, जैसे जेड का राइट हैंड से नंबर क्या है बच्चे 1 और वाई का क्या है बच्चे 2, एक्स का क्या है बच्चे 3, उसी प्रकार से ये कितना होगा 24, ये कितना होगा 25 और ये कितना होगा 26, क्लियर है कि नहीं? ये लेफ्ट एंड से नंबरिंग है और ये क्या है राइट हैंड से नंबरिंग। तो सबसे पहला काम जो होगा बच्चे हमारा वो ये होगा कि सबसे पहले हम लोग नंबरिंग याद करने की कोशिश करेंगे, कहां से बच्चे लेफ्ट एंड से, कहां से बच्चे लेफ्ट एंड से। तो थोड़ा नंबरिंग याद करते हैं फिर आगे कहानी को लेकर चलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो चलिए अब हम बात करते हैं लेफ्ट एंड से नंबरिंग कैसे याद होगा। तो सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है याद करने का तरीका है, हम इसके पिक्चर से याद करेंगे। किससे याद करेंगे? पिक्चर मतलब हो गया इमेज, मतलब जो अक्षर होते हैं ना, जो अक्षर होते हैं बच्चे उनकी इमेज से हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखना ध्यान से, तरीका देखना याद करने का, ठीक है ना? सबसे पहली बात, जैसे ए बी सी ऐसे करके है एक्स वाई जेड, और मैं हमेशा बच्चे कैपिटल लेटर लिखूंगा। कौन सा लेटर लिखूंगा? कैपिटल लेटर। कभी भी याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो जनरली आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं किसी भी एग्जाम में कैपिटल लेटर दिया रहता है, स्मॉल लेटर नहीं देता, कभी भी देख लेना। समझ में आ रहा है? तो कैपिटल लेटर की ही हम बात करेंगे और कैपिटल लेटर के पिक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चे आपने ये एम देखा होगा, दिखा है ये एम का शेप कैसा है बच्चे? एम में तीन छुपा हुआ दिख रहा है क्या? ये तीन कैसे छुपा हुआ? अगर मैं एम को ऐसे लेटा दूं तो तीन जैसा नहीं दिख रहा है क्या? तो एम तीन जैसा दिख रहा है लेकिन तीन तो हो नहीं सकता, क्योंकि तीसरे स्थान पे कौन होता है? सी। कौन होता है? सी। तो ये कौन सा होगा बच्चे? 13। क्या होगा बच्चे? 13। तो एम की नंबरिंग याद रखिएगा, क्या होता है? 13। क्या होता है बच्चे? 13। तो अब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, दिमाग में कभी भी एम दिखेगा तो दिमाग में एक ही नंबर जाएगा, कौन सा? 13। क्योंकि एक स्टूडेंट या फिर कोई भी व्यक्ति की एक आदत होती है कि अगर वो एक बार पिक्चर से चीजों को दिमाग में स्टोर कर लिया तो जीवन में नहीं भूलेगा। जैसे एम आपको अब हमेशा दिखेगा किसके जैसे? 13 जैसे। उसी प्रकार से बच्चे एक और होता है डब्लू, दिख रहा है क्या? डब्लू में भी तीन दिख रहा है क्या आपको? तो तीन तो हो नहीं सकता क्योंकि तीन तो सी है, 13 हो नहीं सकता क्योंकि 13 कौन है? एम है। तो ये कौन सा होगा बच्चे? 23। कौन सा होगा बच्चे? 23। क्लियर है कि नहीं? तो आपको तीन के हिसाब से, एम और डब्लू के हिसाब से आपने याद कर लिया 13 और 23, याद रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा और काम करते हैं इस पे, पहले इतना क्लियर है। इसी हिसाब से कुछ और अक्षर होते हैं बच्चे, जैसे मैं बात करूं, अगर आपके सामने आपने ऐसा अक्षर देखा है क्या? जी। जी में कौन सा नंबर छिपा हुआ दिख रहा है? 7। कौन सा दिख रहा है?
7, ध्यान से देखिए, जो आप चाहेंगे देखना वही दिखेगा, क्लियर है कि नहीं। तो जी में क्या दिख रहा है, 7, तो जी का नंबर क्या होता है बच्चे, 7, क्या होता है बच्चे, 7। इसी प्रकार से एक और अक्षर होता है बच्चे क्यू, कौन होता है बच्चे, वैसे क्यू का पूछ तो ऐसे लिखला रहता है लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा लिखला है क्योंकि हम जैसा मानेंगे वैसे ही ना याद होगा, याद करने के ट्रिक है, तरीका है, क्लियर है कि नहीं। तो क्यू का बच्चे याद रखना, क्यू में भी 7 छुपा रहता है तो 7 तो होगा नहीं, तो कौन सा होगा, 17, कौन सा होगा बच्चे, 17, क्लियर है कि नहीं। तो हमने M का याद कर लिया 13 है, W का याद कर लिया 23 है, G का याद कर लिया 7 है, Q का याद कर लिया 17 है, क्या ये याद रहेगा, यहां तक कोई तकलीफ है किसी भी बच्चे को? तो इतना अगर आपको याद रहेगा तो अब आते हैं कुछ अक्षर और हैं उनका भी याद करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे कि जो आप पढ़ रहे हो उससे आपको 50% अभी याद हो चुका है, मैं भी करवाऊंगा आपको, प्रैक्टिस कराऊंगा, आप देखना खुद बोलोगे। पहले इतना क्लियर है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक और अक्षर लिखता हूं, जैसे जैसे बच्चे यहां पे आपने देखा होगा एच, दिखा है क्या, एच दिख रहा है ना। अब एच में कौन सा नंबर छुपा है, अगर एच को डिजिटल 8 जैसा बनाना चाहे तो ऐसे जोड़ दे तो 8 जैसा नहीं दिख रहा है, डिजिटल 8 घड़ी वाला, हाँ या ना। तो एच कौन सा नंबर होगा बच्चे, 8, कौन सा होगा। उसी प्रकार से एक और अक्षर होता है बच्चे, कौन सा, आर, कौन सा होता है बच्चे, आर। अब ये बताओ आर कैसा होता है, अगर मैं इसको भी जोड़ दूं तो ये भी 8 जैसा दिखेगा कि नहीं। तो R से याद रखना बच्चे क्या होगा, 18, क्या होगा, 18। इन दोनों का सेट याद रखना, R का 8 है और H का 8 है और R का क्या है, 18, याद रहेगा। ये बेसिक नीड है बच्चे, ये जरूरी है आपको याद होना, पहले इतना क्लियर है। ये केवल यहां कोडिंग एंड डिकोडिंग बस में काम नहीं आएगा, ये आपके अल्फाबेट सीरीज में भी काम आता है, ये बहुत जगह काम आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बात समझ में आ रहा है। पेयर फॉर्मेशन, युग्म गठन जब मैं बताऊंगा तब भी काम आएगा, ये बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं छोटे छोटे रीजनिंग के, बात समझ में आ रहा है। तो याद रखना बच्चे H का 8 है और R का क्या है, 18। तो पहले इतना लिख लियो क्या कॉपी में। अब आते हैं कुछ और अक्षर है बच्चे, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपने देखा होगा F, देखा है क्या F को, अगर मैं इस तरीके से, अच्छा F आपने देखा है और एक और अक्षर देखा होगा P, क्या देखा होगा, P को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये 6 जैसा दिख रहा है क्या, हाँ या ना। अब तुम्हारे मन में ऐसा कुछ उटपटांग बच्चे होते हैं, बोलते सर 9 भी तो दिख रहा है, तो 9 नहीं है, लेकिन 9 नहीं है तो नहीं देखो, 6 जैसा देखो, क्लियर है कि नहीं है। तो जैसा आपको याद करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, बात समझ में है। तो P से याद रखना 6 है, तो 6 का मतलब क्या होता है, 16, क्या होता है, 16। अब F को भी अगर मैं जोड़ दूं ऐसे तो ये भी P जैसा बन जाएगा कि नहीं, तो ये भी 6 देगा, तो 6 तो 6 ही होता है, P F क्या होता है, 6 होता है। तो आपको दो अक्षर और क्लियर हो गया, F का बच्चे क्या होता है, 6, और P का क्या होता है, 16, याद रहेगा। F का 6 है, P का 16, W का 23, W का 23, M का 13, M का 13, R का, R दिमाग में सोचो कैपिटल लेटर बन रहा, R कैसा है, 18, H का 8, G का 7, Q का 17, याद रहे, बोल के करोगे तो याद हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो ये अक्षर बच्चे मैंने आपके सामने कर दिया, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ है। अच्छा और भी अक्षर होते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही है, अभी और भी होते हैं लेकिन अपने आप बाकी याद हो जाएंगे। अच्छा एक बात सुनो, ईजोटी से भी आपको याद कराया जाता है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है ई जे ओ टी वाई, लिखा रहता है। ई का मतलब बच्चे 5 है, जे का मतलब 10 है, ओ का मतलब 15 है, टी का मतलब 20 है, वाई का मतलब 25 है, 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, एक बार बोलिएगा ईजोटी, क्या बोलिएगा, ईजोटी, ईजोटी, क्लियर है कि नहीं। याद रखना टी किससे याद रखोगे, 20 मैच से, T20 मैच, क्लियर है कि नहीं। वाई का तो सबको याद होगा, वाई का तो 25 होगा, वाई के बाद जेड आता है, ओके है। अब आप ये बताइए ई का क्या होगा, 5। अच्छा जे का कैसे याद रखोगे, जे दिख रहा है ना ऐसा, जे ऐसे ही बनता है ना स्मॉल लेटर वाले में, ये हो गया बच्चे ये डंडा और ये आगे 0, जे से 10 हो गया, क्लियर है कि नहीं। आई का 9 होता है, याद रखना, पता चला आई को 10 बना दिया, आई का 9 है, जे का 10, आर का 18, एच का 8, पी का 16, एफ का 6, एफ का 6, कैपिटल लेटर वाला दिमाग में बनाइए, ओके यहां तक। तो ये अक्षरों की नंबरिंग याद रहेगी आपको, कोई तकलीफ किसी को? अच्छा देखो एक इसका फायदा क्या है, जैसे M का आपने याद कर लिया है, कितना है बच्चे, 13, क्या याद कर लिया है, तो ये बताओ N का क्या होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं, M के बाद क्या आता है, N, M, N, A, B, C, D आता है ना, M के बाद N आता है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, 14, इसके अक्षर से याद नहीं किया गया, आगे पीछे करके याद किया गया, क्लियर है कि, समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है।
चलिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं पूरा, ताकि दिमाग में सेट हो जाए जितने भी अक्षर हमने पढ़ा है। आपसे मैं पूछता हूं, बताइए पी का नंबर बताइए जल्दी से कितना है। बच्चे आर का बताइए, अच्छा बताइए एच का, बताइए सी का, बताइए ई का, बताइए ओ का, ओ का 15 याद रखना, ओ का 15, बताइए टी का, बताइए यहां पे डब्ल्यू का, बताइए यहां पे एच का, बताइए यहां पे एम का, बताइए यहां पे एस का। देखो आर का 18 है, आर के बाद क्या आता है एस, तो क्या हो जाएगा 19, याद रहेगा। इसमें स्पीड चाहिए मुझे, तभी मैं आपको सारे पैटर्न समझा पाऊंगा, क्योंकि 7 पैटर्न में मैंने डिवाइड किया है पूरे कोडिंग एंड डिकोडिंग को, सॉरी लेटर कोडिंग को, कितने भागों में, 7 पैटर्न में। 7 पैटर्न पढ़ लोगे तो उन्हीं में से एक पैटर्न एग्जाम में आता है, क्लियर है ना? ठीक है, अब बच्चे इतना क्लियर है सभी को, सबको याद हो गया। चलिए अगर ये अक्षरों की नंबरिंग अगर आपको याद हो चुकी है तो आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं बच्चे मैं, उसके बाद आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। कोई भी शब्द मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया मान लो आसूस, ये मैंने लिख दिया लैपटॉप पूरा, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछता हूं, ये जो शब्द मैंने लिखा है इसकी नंबरिंग करो लेफ्ट हैंड से, एक बार नंबरिंग करके बताओ, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द आ गया तो ए का बताओ, भले याद नहीं जो भी है हमने जितना पढ़ा है, ए का, एस का, यू का, टी के बाद यू, टी का 20, यू का 21, आराम आराम से करो, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा। एस का 19, एल, एल कैसे आता है, जे के एल, जे का 10, के का 11, एल का 12, ए का, पी का, टी का, ओ का, पी का, याद हो गया, हाँ या ना? हमने अपने आप ही नंबरिंग किया, हमने कोशिश नहीं किया है रटने की, हमने दिमाग में रखने की कोशिश किया है बस, क्लियर है कि नहीं? आप भी एक ट्राई करेंगे थोड़ा सा, आप एक बार अपने आप को थोड़ा समय दीजिए और एक शब्द लिख रहा हूं उस शब्द का एक बार ट्राई कीजिएगा, क्लियर है कि नहीं, बिना बोले, ठीक है यहां तक? ठीक है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा तो मैच कर लेना है। एक और लिख रहा हूं, जैसे कोई कुछ बोलेगा नहीं, आराम से सब अपने कॉपी में करेंगे, आराम से करना, हड़बड़ा के नहीं, आगे पीछे देख के सोच के। टीई के है ना, डिजिटेक ई है, सब बच्चे छुट्टी मनाए एकदम, अब आएंगे 20 तक, लेकिन आप लोग अभी छोड़िए नहीं, क्योंकि एग्जाम अचानक आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? हड़बड़ाना जरूरी होता है, रिलैक्स करो कम, सिलेक्शन के बाद रिलैक्स करना होता है, यहाँ परीक्षा देके रिलैक्स कर रहे हैं, सोचो जैसे बहुत अच्छा पेपर गया हो, ठीक है? ये क्लियर है बच्चे, लिख लिए डिजिटेक, ठीक। आइए बच्चे ध्यान से देखते हैं कैसे नंबरिंग किया आपने, एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोग का सही है कि नहीं, मैं चेक करता हूँ। डी का कितना होगा बच्चे, आई का, बच्चे जी का, जी का क्या होता है, जी दिमाग में रखो, स्मॉल लेटर वाला मत दिमाग में रखो, कैपिटल लेटर वाला जी ऐसा मत, क्या होगा बच्चे 7, आई का बच्चे 9, टी का बच्चे 20, ई का बच्चे 5, के का है ना, जे के बाद के आता है, जे का 10 है तो के का, क्या ये सही था आप लोगों का? वेरी गुड, क्लियर है। तो ये उम्मीद करूं कि लेफ्ट हैंड की नंबरिंग आपको याद हो चुकी, ठीक है। चलो तो लेफ्ट हैंड वाला कंप्लीट हुआ, अब बच्चे हम राइट हैंड की भी नंबरिंग रखेंगे, इसकी याद करना है हमें राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड याद है ना? देखो राइट हैंड का नंबरिंग याद करने के दो रास्ते हैं, कितने तरीके हैं, दो, तो दोनों तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन जो बेहतर लगेगा वो आप रखिएगा दिमाग में, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड की नंबरिंग याद हो गई है तो आपको काफी मदद मिलेगा क्वेश्चन को करते वक्त, ठीक है। अब हम राइट हैंड पे आते हैं बच्चे, थोड़ा सा दायां छोर राइट हैंड की नंबरिंग में बात करते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, राइट हैंड की नंबरिंग के लिए मैंने बताया कितने तरीके हैं, दो मेथड है, कितने मेथड है, दो मेथड है। एक मेथड ये है, सबसे पहले बच्चे आप लोगों को मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा रैंकिंग, क्या पढ़ाऊंगा रैंकिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था, क्या बोलते हैं क्रम व्यवस्था रैंकिंग। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये चांसेस है एग्जाम में जब आएगा तो 2-3 क्वेश्चन साथ में आता है, क्लियर है कि नहीं? और काफी जबरदस्त टॉपिक है ये, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, जो अच्छे से पढ़ के नहीं जाते तो टॉपिक नहीं कर पाते,
बट मैं जो आपको कराऊंगा उसमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा और एक फॉर्मूला बताऊंगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी जरूरत पड़ेगा जो भी पढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, रैंकिंग के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इसमें आएंगे। आप लोग एक बात बताइए, एक फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, याद रखना कि अगर मान लीजिए कि कभी भी टोटल अक्षर निकालना हो कि टोटल कितने अक्षर है, इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट एंड की नंबरिंग प्लस राइट एंड की नंबरिंग और माइनस क्या होता है बच्चे, वन। कैसे लिखोगे? कुल अक्षर बराबर किसी अक्षर का बायां छोर से स्थान, उसी अक्षर का, चलो एक काम करो अभी रहने दो इसको, फालतू में कंफ्यूज क्यों करूं मैं आपको, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लेना, बाकी अभी ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगा। लेफ्ट एंड प्लस राइट एंड माइनस वन लिख लो पहले, लेफ्ट एंड प्लस राइट एंड माइनस वन। ठीक है, किसी अक्षर का बायां छोर से स्थान, उसी अक्षर का दायां छोर से स्थान, दोनों को ऐड करने के बाद क्या करना है, माइनस वन। तो आपको क्या पता चलेगा, टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल अक्षर कितने हैं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? इसका सिद्ध करूं एक बार, देखो ये लिख लिया कॉपी में, अभी इधर आओ, मैंने आपके सामने एक चीज लिखा था, ध्यान से देखना। ठीक है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये बताइए यहां पे कोई एक अक्षर उठाता हूं, जैसे ए दिख रहा है क्या, ए दिख रहा है, ए का बायां छोर से स्थान कौन सा है और दायां छोर से, तो एक बायां छोर से स्थान है और 26 दायां छोर से स्थान है, दोनों को ऐड कर दें तो ये लेफ्ट हो गया प्लस क्या हो गया, राइट। अगर मैं माइनस वन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस वन, तो टोटल अक्षर कितने आ जाएंगे, 26 एक 27, 27 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 26। हाँ यार, टोटल अक्षर आ रहे हैं 26, एक प्लस 26 माइनस वन करने पे टोटल कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 ना। यहां पे भी देखते हैं, बी का बताओ, बी का लेफ्ट साइड से रैंकिंग कितना है बच्चे, दो है। बी का लेफ्ट साइड से कितना है, दो है, और राइट साइड से कितना है बच्चे यहां पे, 25। दोनों को जोड़कर अगर मैं क्या कर दूं, माइनस वन, तो टोटल कितने अक्षर आ जाएंगे, 27 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो टोटल कितने अक्षर हो गए, 26। हाँ या ना? तो आपको यह समझ में आ रहा है कि किसी एक कोई भी अक्षर का लेफ्ट एंड की नंबरिंग अगर हमें याद है और राइट एंड की भी नंबरिंग याद है, दोनों को ऐड करने पे माइनस वन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अक्षर पता चलता है। क्लियर है कि? हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला वहीं से आया है, याद रहेगा ये बात, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल अक्षर, इज इक्वल टू टोटल अक्षर। तो ये सिद्ध हो गया, ये अभी के लिए इतना काफी है, बाकी रैंकिंग में तो मैं आपको बताऊंगा ही। अभी जो मैं मेन बात बताना चाहता हूं उस पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, उस पर ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चे यहां पे अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको राइट एंड की रैंकिंग निकालनी हो, कौन सी निकालनी हो, दायां छोर से किसी का स्थान निकालना हो, कि बायां छोर से तो आपको याद है, ए का याद है वन, बी का याद है टू, सी का याद है तीन, डी का याद है चार, सब याद हो गया है ना। तो अगर आपको राइट एंड का रैंकिंग पूछे तो कैसे निकालेंगे इस, अच्छा टोटल कितने अक्षर होते हैं बताओ, इंग्लिश अल्फा इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं, 26। कितने होते हैं, तो टोटल तो फिक्स है कि कितना आएगा, 26 आएगा। ये माइनस वन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन। क्या हो जाएगा, प्लस वन। इस लेफ्ट वाले को उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लेफ्ट एंड। और ये बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, राइट एंड। क्या आ जाएगा, राइट एंड। क्लियर है कि नहीं? तो एक बात बताओ, 26 और एक क्या होता है, 27। तो एक और तरीका मैंने आपको बताया कि कभी भी किसी भी अक्षर का दायां छोर से स्थान निकालना हो, कहां से निकालना हो, दायां छोर से स्थान निकालना हो, तो करेंगे क्या, 27 में से क्या माइनस कर देंगे, बायां छोर, उस अक्षर का बायां छोर से स्थान। 27, 26 और एक 27 हो गया, 27 में से लेफ्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा, राइट। तो आपने एक ट्रिक सीख लिया कि कभी भी अगर आपको लेफ्ट साइड से अक्षर का स्थान पता हो तो 27 में से उस स्थान को माइनस करेंगे तो कौन सा स्थान आ जाएगा, दायां छोर वाला। कौन सा आ जाएगा, दायां छोर वाला। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पहले तक क्लियर है कि नहीं है, इसको पहले लिख लो फिर बताता हूं। समझ में आ रहा है, मतलब 27 में से, सीधा सा कहने का मतलब यह है कि 27 में से लेफ्ट एंड की रैंकिंग को माइनस करेंगे तो जो अक्षर आएगा उसका कहां से स्थान पता चल जाएगा, राइट एंड से। कहां से पता चल जाएगा, राइट एंड से। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? या फिर इसका उल्टा मैं काम करूं, उल्टा भी कह सकता हूं कि 27 में से अगर मैं राइट एंड को माइनस करूंगा तो क्या पता चल जाएगा,
लेफ्ट एंड पता चल जाएगा, दोनों एक ही बात है, हाँ या ना। 27 में से राइट माइनस करूंगा तो लेफ्ट निकलेगा, 27 में से लेफ्ट माइनस करूंगा तो, क्लियर है कि नहीं? तो 27 में से लेफ्ट माइनस करेंगे तो राइट, 27 में से राइट माइनस करेंगे तो लेफ्ट एंड निकलेगा। इस चीज को याद रखिएगा बच्चे, याद रहेगा, ये मेन मुद्दा है, क्लियर है। अब जैसे बात करते हैं, जैसे कैसे ये जो बात बताया उसको सिद्ध कराता हूं, पहले इतना क्लियर है कि नहीं? बस इतनी सी बातचीत है, याद रहेगा ये बात सभी को। सुनो, जैसे आप ये बताओ सी का लेफ्ट साइड से रैंकिंग कितना है, सी का बायां छोर से स्थान क्या होता है, सी होता है ना। अगर आपको इसका दायां छोर से स्थान निकालना हो सी का, तो करेंगे क्या, 27 में से क्या माइनस कर देंगे, 3, लेफ्ट वाले को माइनस कर दो तो कितना आ गया, 24। 24 कहां से आ गया, राइट एंड कहां से आ गया। मतलब कहने का यह है कि सी का स्थान राइट एंड से क्या होता है, 24, क्या होता है, 24, याद रहेगा। सी का लेफ्ट एंड से स्थान क्या होता है, 3, ये तो आपको याद था ना, लेफ्ट एंड से तो सारी रैंकिंग याद है। अगर आपको राइट एंड का पूछेगा तो 27 से घटा देना, बस ये है कहने का मतलब। जैसे मैं आपसे पूछता हूं एम का राइट एंड से नंबरिंग बता सकते हो, किसका, एम का, तो पहले लेफ्ट एंड से बताओ कितना होता है, लेफ्ट एंड से क्या नंबरिंग होती है इसकी, 13वें नंबर पे होता है, हाँ या ना। तो ये बताओ राइट एंड से अगर मैं पूछूंगा तो कैसे करोगे बच्चे, 27 में से 13 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 14, तो राइट एंड से क्या हो जाएगा बच्चे, 14 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ओ का स्थान लेफ्ट एंड से कितना है, क्या ये याद है कि नहीं है, कितना होता है, 15, अभी अभी किए थे यार, ओ का 15, तो राइट एंड से कोई पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 27 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 12, कितना आ जाएगा, 12। तो कहने का मतलब यह है कि किसी का बायां छोर से स्थान पता हो तो दायां छोर से निकालने में कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, 27 में से सबट्रैक्ट करना है, क्लियर है कि ठीक है। तो आपको लेफ्ट एंड की नंबरिंग याद हो गई है और राइट एंड की नंबरिंग भी याद हो गई है, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं। तो मैंने बोला दो तरीके होते हैं जिसमें कि पहला तरीका यह है कि 27 में से घटा दोगे लेफ्ट वाले को तो राइट वाला पता चल जाएगा, समझ में आया। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछ ले पी का राइट साइड से नंबरिंग बताओ, पी का कहां से बताओ, राइट साइड से, तो आप क्या करोगे, पहले पी का मन में निकालो कि लेफ्ट साइड से क्या होता है, 16, क्या होता है, 16, और 27 में से 16 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11, और 11 कहां से हो जाएगा, राइट एंड से, क्लियर है कि। पी का कोई राइट एंड से नंबरिंग पूछता है तो सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए कि पी का लेफ्ट साइड से रैंकिंग क्या होगा, तो पी का लेफ्ट साइड से क्या होता है, 16वां, क्या होता है, 16वां, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11, तो राइट साइड से क्या रैंकिंग आ जाएगा, 11वां, याद रहेगा ये बात, क्लियर है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखा जो कि आप लोग इसको याद रखिएगा, पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है ना, सभी को क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम। चलिए, तो ये एकदम बेसिक फंडामेंटल की क्लास चल रही है, अभी शुरुआत हो रहा है इसलिए सारी चीजें हम सीख रहे हैं, पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं। चलो, अब एक तरीका तो ये था, मैंने बोला कि राइट एंड की रैंकिंग निकालने के दो रास्ते हैं, पहला रास्ता ये है, जरूरी है सीखना, याद रहेगा ये बात। अब सुनो बच्चे एक बात और, ये तो आपने लेटर्स का नंबरिंग, आपने लेफ्ट एंड की नंबरिंग और राइट एंड की नंबरिंग दोनों लिखी, ये क्यों लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग जब आप करोगे ना तो कई बार होगा कि लेफ्ट साइड से रैंकिंग करोगे, लिखना पड़ेगा आपको और वहां पे लॉजिक लगाना पड़ेगा, पैटर्न लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर आपको राइट साइड से भी करना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। तो दोनों एकदम कंटस्ट होना चाहिए, बात समझ में। दूसरा तरीका सुन लीजिए बच्चे, एक और बात, पहले लिख लियो क्या कॉपी में कि लिखना है, अच्छा आप ये बताओ ए बी सी डी ई एफ जी, अब अगला मेथड बता रहा हूं, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन का तरीका, क्लियर है ना, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, दिख रहा है बच्चे। अब आप ये बताइए मुझे कि कौन किसका अपोजिट है, जैसे ए का अपोजिट कौन होता है, जैसे ए लेफ्ट साइड से फर्स्ट रैंक पे है ना, तो जेड राइट साइड से भी क्या है, फर्स्ट रैंक, तो ए का अपोजिट कौन कहलाएगा, जेड, इनको अपोजिट बोलते हैं। वैसे बी का अपोजिट कौन होता है, वाई, सी का अपोजिट कौन है, डी का अपोजिट, ई का अपोजिट, ये इस तरीके से ये एक दूसरे के क्या है बच्चे, अपोजिट अक्षर है, क्या है ये एक दूसरे के अपोजिट अक्षर है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना।
अच्छा ये बताओ ये कितने अक्षर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, इधर भी कितने होंगे 13, ये क्या होगा 14th नंबर पे, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां और ये 20वां, क्लियर है कि नहीं। देखो इसमें याद क्या करना है, आपको ये चीज याद होना चाहिए कि जैसे M अगर मैं बोलूं तो मैं पूछूं M का अपोजिट कौन होता है, तो आपके दिमाग में जाना चाहिए N, क्या दिमाग में जाना चाहिए, नंबर भी तो जाना चाहिए लेकिन नंबर से ज्यादा अक्षर भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा, लेटर कोडिंग, क्या पढ़ाऊंगा, और लेटर कोडिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो शब्दों को शब्दों में कन्वर्ट करना होगा, तो वहां नंबर नहीं होगा, शब्द से शब्द करना होगा, तो बच्चे काफी हेल्प करेगा ये बात समझ में। जैसे M का अपोजिट क्या होता है N, और याद करने का तरीका बता, आप अपने से कोई कोड वर्ड लिख लो, यहाँ पे शब्द लिख लो तो आपको याद हो जाएगा, आप अपने हिसाब से लिखो, मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, अगर आपका हिसाब भी मेरे हिसाब से बैठ रहा हो तो आप इससे कर लेना, क्लियर है कि नहीं। जैसे M का N कैसे याद रखोगे, मैन से, कैसे याद रखोगे, मैन से, M का N, मैन, मैन बोलो M N, मैन, M N, M का अपोजिट क्या है N, क्लियर। उसी तरीके से L का O कैसे याद रखोगे, लव से याद रखोगे L O, या फिर लो से भी याद कर सकते हो L O, L O लो, L O लो, या फिर इस तरीके से याद कर सकते L O V E, L का O है और V का क्या है बच्चे E है, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो V का E ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या, तो ऐसे याद कर सकते हैं, लव शब्द से भी आप याद कर सकते हैं, L का O अपोजिट होता है और V का क्या होता है E होता है, तो लो से भी याद कर सकते हो, लव से भी याद कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, क्लियर है कि नहीं। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है पीके, क्या लिखा है पीके, आमिर खान की मूवी आई थी ना, क्या नाम था पीके, क्या याद था पीके, याद रहेगा, केपी से भी याद कर सकते हो पीके, क्लियर है कि नहीं। अब जैसे जेक्यू, जेक्यू से कैसे याद रखोगे, जैक्वार या जैकलीन, जैकलीन से याद कर लेना, ठीक है ना, तो भी याद हो जाएगा, या जैक्वार से याद कर लेना, क्लियर है ना, तो जैसे याद करना हो आपको ठीक लगे। अब आई का आर क्या होगा बच्चे, इंडियन रेलवे, कैसे याद रखोगे बच्चे, इंडियन रेलवे, ठीक है। एच का एस कैसे याद रखोगे, जल्दी से बता दूं, हाई स्कूल, कैसे याद रखोगे बच्चे, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, ओके। उसी प्रकार से बच्चे जीटी रोड आपने सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, तो जीटी रोड से याद कर सकते हो, बाकी आपको जिस तरीके से याद हो उस तरीके से याद करिए, क्लियर है कि। अब उसके बाद एफ यू से याद कर सकते हो, पुल, पुल से याद कर सकते हो, एफ यू पुल, पुल एफ यू, क्लियर है ना, ठीक है। अब ये बताओ इवनिंग से, एल ओ वी ई से भी और इवनिंग से भी याद कर सकते, दोनों तरीके से वी का ई याद कर सकते, हाँ या ना, ई का भी वी का ई याद रहेगा, इवनिंग या फिर लव दोनों से काम आ जाएगा। डी का डब्ल्यू डाउन से याद कर सकते हैं, डी ओ डब्ल्यू है, डी का डब्ल्यू, डी का डब्ल्यू, ठीक है। सी का एक्स तो याद रहेगा, बी का वाई भी याद रहेगा, बॉय, और ए का जेड भी याद, स्टार्टिंग के तीन में दिक्कत नहीं है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, इसको लिख लो कॉपी में, इस तरीके से याद रखना। क्लियर हुआ बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, तो कौन किसका अपोजिट होता है इसको आप नोट करके लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट। हो जाएगा बच्चे, याद रहेगा, आगे बढ़े, चलो तो इतनी सी बातचीत अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतना अगर याद हो गया। अब इससे दो तीन फायदे, ये अपोजिट क्यों याद करवाया आपके मन में आ रहा होगा, पहला फायदा तो ये है कि डायरेक्ट आप अपोजिट वर्ड को एक पहचान कर लोगे कि कौन किसका है। जैसे मैं पूछूंगा जी का अपोजिट कौन होता है, टी, ए का अपोजिट एक्स का अपोजिट सी, और एल का अपोजिट
ओ, ई का अपोजिट पी, आर का अपोजिट आई, इंडियन रेलवे आरआई से भी याद कर सकते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई, आरआई का एग्जाम होता है उससे भी याद कर सकते, क्लियर है ना। चलो अब इतना अगर याद रहेगा तो फायदा क्या है सुनिए, जैसे देखो ये बताओ एक और 26 टोटल कितना होता है, दो का 25, तीन और 24 27, चार और 23 27, पांच और 22 27, छह और 21 27, सबका सम 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। एक शब्द लिखता हूं मैं, जैसे सी ए टी कैट दिख रहा है, कैट एक शब्द दिख रहा है, ये बताओ इसका लेफ्ट साइड से नंबरिंग पहले लिखते हैं, कहां से लेफ्ट साइड से, सी का बताओ क्या होता है, ए का टी का, कोई दिक्कत है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग लिख लोगे आप लोग। अब मैं आपसे पूछता हूं ये बताओ राइट साइड से नंबरिंग अगर आपको लिखना हो तो ये बताओ सी का अपोजिट कौन होता है, सी का अपोजिट एक तरीका था 27 से घटा के लिखो, इसे घटा के लिख लो, राइट साइड से नंबरिंग लिखना हो तो 27 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 24, और 24 किसका होता है एक्स का, ऐसे लिख सकते हो हाँ या ना। अब इसका राइट साइड से नंबरिंग लिखना हो तो 27 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 26, 26 किसका होगा Z का, क्लियर है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं 20, 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, तो 7 मतलब क्या होता है बच्चे, क्या होता है जी, क्लियर है कि नहीं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, कैट का लेफ्ट साइड से नंबरिंग ये होगा, कोई दिक्कत है, कैट का राइट साइड से नंबरिंग ये होगा, क्लियर है कि नहीं, कैट का राइट साइड से नंबरिंग है ना ये तो, हाँ या ना। तो आपके पास मैं अब आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है, जैसे कोई भी शब्द लिख दिया, मान लो यहां पे लिख दिया रॉक, क्या लिख दिया रॉक, तो रॉक का लेफ्ट हैंड से पहले नंबरिंग लिख के बताओ मुझे, आर का बताओ जल्दी से बोलो, और ओ का, और सी का, के का, लेफ्ट हैंड से ही होगा ना। अब सुनो राइट हैंड से डायरेक्ट लिखना हो अगर तो कैसे लिखोगे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, आर का अपोजिट क्या होता है बताओ आई, और आई का नंबरिंग क्या होता है, वेरी गुड, यहां डायरेक्ट क्या लिखोगे, समझ गए कि नहीं समझे, आर का अपोजिट क्या होता है आई, और आई का नंबरिंग क्या होता है, यहां नौ लिखोगे, तो ये लेफ्ट साइड से नंबरिंग हो गया आर का, और ये राइट साइड से नंबरिंग हो गया आर का, क्या हो गया समझ में आया। अब बच्चे ओ का बताना, ओ का अपोजिट अक्षर कौन सा होता है, एल, लव से याद है ना, एल ओ वी ई, ओ का एल, हाँ या ना, तो एल होता है बच्चे, और एल का नंबरिंग क्या होता है, जे के एल, जे का 10 होता है, के का 11 और एल का 12, यहां पे क्या हो जाएगा 12, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये बताओ सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, एक्स किसका होता है 24, क्लियर है कि नहीं। अब ये बताओ यहां पे क्या लिखा है, के, क्या लिखा है, के का पी, और पी का नंबरिंग क्या होता है 16, यहां पे क्या लिखोगे 16, तो ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड से रैंकिंग होगी, और ये क्या हो गई राइट हैंड से, फायदा मिला थोड़ा। तो अगर आपको डायरेक्ट ऐसे याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 27 से घटाने का झमेला खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जब हम 27 से घटाते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाता है, 27 से माइनस करते समय कई बार होता है कि हम गलती कर देते हैं, वो गलती एग्जाम में नहीं करनी, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना, इतना क्लियर हुआ, नोट कर लो आराम से कॉपी में। तो हमने लेफ्ट हैंड की रैंकिंग, राइट हैंड की रैंकिंग, ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी, ठीक है। तो तकलीफ है बच्चे, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, चलो तो ये बात तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को, लेटर कोडिंग को शुरू करते हैं, शुरू करते हैं हम। ये बच्चे बेसिक फंडामेंटल था, इतना आपको आना चाहिए, और इतना आने के बाद ही आप चीजों को अच्छे से कर सकेंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, आगे बढ़े शुरुआत करें पढ़ना। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं बच्चे यहां पे कोडिंग डिकोडिंग का खेल। चलो
तो शुरुआत करते हैं बच्चे एक एक करके सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये बच्चे कोडिंग एंड डिकोडिंग का सबसे पहला हिस्सा जो है वो क्या है बच्चे, लेटर कोडिंग। क्या है बच्चे? लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग का इनके क्वेश्चंस को कराने के पहले कुछ फंडामेंटल बात करूंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो शुरुआत करें, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं बच्चे लेटर कोडिंग का, अगर मैं बात करता हूं बच्चे किसका, लेटर कोडिंग का, ठीक है। अगर हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले समझिएगा कि लेटर कोडिंग में आपके सामने एक शब्द दिया रहेगा, दूसरा शब्द दिया रहेगा, आपको पैटर्न समझना होगा और क्या समझना होगा, लॉजिक। मैंने बताया था ना ऐसा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे ये बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैंग, देख सकते हैं ये पूरा एक शब्द लिखा है ना, ये शब्द किसकी तरह कोड है, आई बी ओ ई। तो अब आपको यहाँ पे ये शब्द कैसे कोड किया गया है इसको समझने के लिए आपको दो चीजें देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, पैटर्न, क्या देखना पड़ेगा, पैटर्न। और दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी बच्चे, लॉजिक, क्या देखनी पड़ेगी। जब ये दोनों चीजों का पहचान कर लोगे, इसका लॉजिक और पैटर्न समझ लोगे कि कैसे ये कोड किया है, तो उसी पैटर्न और लॉजिक को आप किसमें लगाओगे, सिल्क में, और वही आपका क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। समझ में आ रहा है? तो अब मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि पैटर्न कितने प्रकार के, कितने पैटर्न होते हैं टोटल लेटर कोडिंग। तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चे, टोटल अगर मैं बात करूं लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न है बच्चे, पता है, सात पैटर्न। कितने पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, सात पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, टोटल सेवन पैटर्न है। क्लियर है? सात पैटर्न में जो सबसे पहला पैटर्न होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते हैं बच्चे, फॉरवर्ड। हिंदी वाले भी फॉरवर्ड लिखेंगे, फॉरवर्ड का मतलब समझाने के लिए बस सब देगी, फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे पहला पैटर्न कौन सा है बच्चे, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है पहले ये समझाना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जैसे मान लो कोई शब्द है, उस शब्द में मान लो कितने अक्षर हैं, शब्द में मान लो कितने अक्षर हैं, पांच अक्षर। शब्द में कितने अक्षर हैं, ये पांच अक्षर हैं, और ये दूसरा जो कोड किया है उनके भी पांच अक्षर हैं। तो अगर कोई शब्द में पांच अक्षर है तो यहाँ पे अगर आप फॉरवर्ड में देखेंगे तो ये पहला अक्षर इसके पहले की तरह कोड किया गया होगा, इसका दूसरा अक्षर दूसरे की तरह, तीसरा अक्षर तीसरे की तरह, चौथा अक्षर चौथे की तरह, और पांचवा अक्षर पांचवें की तरह कोड किया गया होगा, सही है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला पैटर्न क्या बोलता है कि फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा, फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा, मतलब इसका पहला अक्षर और इसका भी पहला अक्षर डायरेक्ट, इसका दूसरा अक्षर इसका दूसरा अक्षर डायरेक्ट, इसका तीसरा अक्षर तीसरा, चौथा चौथा पांचवा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये जो कोड किया गया होगा इसमें क्या क्या हो सकता है, या तो कोई ना कोई अक्षर ऐड किया होगा, कोई ना कोई नंबर ऐड किया होगा, या कोई ना कोई नंबर क्या किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा। जनरली एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ही क्वेश्चन आता है, क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं तब आपको ज्यादा बेटर वे में क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान से समझना, ठीक है ना। तो ये आपके पास हैंड एक लिखा है, एक आई बी ओ ई लिखा है, इसको इस तरीके से कोड करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जब भी आपको क्वेश्चन में तकलीफ हो, दिक्कत हो, आप तुरंत सॉल्व ना कर पाए, ये आपको तरीका बता रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट क्या सोचता है ये बताना बहुत जरूरी है। केवल पढ़ा दूंगा कि इसको ऐसे करना उसको ऐसे करना तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको पहले विद्यार्थी कैसा सोचता है ये मुझे बताना पड़ेगा। तो जैसे एक शब्द ये हैंड इज कोडेड एज आई बी ओ ई, देन यू हैव टू फाइंड सिल्क इसकी तरह कोड होगा। तो कभी भी दिक्कत हो तो आप इसकी नंबरिंग कर दो, क्या कर दो, नंबरिंग। नंबरिंग करना सिखाया हूं ना, लेफ्ट हैंड वाला, वो भी कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड वाला। आइए नंबरिंग करते हैं, एच का नंबर क्या होता है बच्चे, आठ, ए का नंबर, आई का क्या, एन का क्या होता है, और डी का क्या होता है, ये आप नंबरिंग कर देंगे सबसे पहले, कर देंगे नंबरिंग। तो इस तरीके का नंबरिंग आप कर दीजिएगा बच्चे सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद यहां भी नंबरिंग कीजिए, आई का क्या नंबर होता है, नौ, बी का क्या होता है, दो, ओ का क्या होता है, पंद्रह, ई का क्या होता है, पांच, ये नंबरिंग कर दी आपने। अब नंबरिंग करने के बाद देखो एक्चुअली होता क्या है, नंबरिंग क्यों करना पड़ रहा है, बच्चों को बचपन से आदत है, वन टू थ्री फोर पूछूंगा तो आसानी से बता देंगे, नंबरिंग करना आसानी से बता देंगे, लेकिन मैं उनसे पूछता हूं एक्स के बाद क्या आएगा, वाई, एल के बाद क्या आएगा, एम,
ओ के पीछे दो क्या होगा? थोड़ा दिमाग घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? ओ के पहले क्या आएगा? दिमाग घूम रहा है ना थोड़ा सा, तुरंत इतना स्मूथली जवाब थोड़ी मिल रहा है। लेकिन मैं पूछूंगा 15 के बाद क्या आएगा, 15 के पहले? तो एक विद्यार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति हमेशा नंबर से काम किया है, जोड़ना घटाना अक्षरों से नहीं किया है, इसलिए हम पहले नंबर लिख देते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस करना है या माइनस करना है वो देख के समझ में आ जाता है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन अगर अक्षरों से काम करोगे तो बड़ा तकलीफ होगा, इसलिए हमेशा क्या करो, नंबरिंग कर दो। क्या कर दो? नंबरिंग। अब नंबरिंग करोगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पैटर्न कौन सा है। पैटर्न को देखने के लिए यहां पे कौन सा नंबर दिख रहा है? 8। क्या दिख रहा है? 8। अब ये बताओ ये कौन सा नंबर है? 9। तो पहले फॉरवर्ड चेक करो, 8 से 9 हो रहा है ना, मतलब 8 में कितना ऐड कर रहा है? 1। ये 1 से 2 हो रहा है, मतलब कितना ऐड कर रहा है? 1। 14 से 15 हो रहा है, कितना ऐड कर रहा है? 1। 4 से 5 हो रहा है, कितना ऐड कर रहा है? 1। मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि पैटर्न कौन सा है बच्चे, पैटर्न नंबर 1 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। कौन सा पैटर्न है? फॉरवर्ड। और लॉजिक कौन सा है बच्चे, बताइए जल्दी से। लॉजिक है प्लस वन। क्या है लॉजिक? प्लस वन। तब में प्लस वन किया है, हाँ या ना? अब इसी पैटर्न और इसी लॉजिक के हिसाब से इसको डिकोड कर दी, मतलब इसको अभी कोड कर दीजिए, बात समझ में आया? तो आपने ये डिकोड किया है, क्या किया है? डिकोड। अब यहाँ पे कोड करना है, कोड करने के लिए सबसे पहले नंबरिंग कर दो। ये बताओ एस का नंबर क्या होता है? 19। आई का नंबर क्या होता है? 9। एल का नंबर? जे का 10। के का 11। एल का 12। और के का क्या होता है? जे के बाद क्या आता है, क्या होगा? 11। ऐसे नंबरिंग कर दोगे। अब नंबरिंग करने के बाद बच्चे फॉरवर्ड है, तो आपको फॉरवर्ड में ही चलना है, प्लस वन करना है। तो यहाँ पे प्लस वन अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। और 20 किसका होता है बच्चे? टी का। किसका होता है? टी का। उसी प्रकार से 9 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। 10 किसका होता है बच्चे? जे का। किसका होता है? जे का। उसी प्रकार से 12 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13। 13 किसका होता है बच्चे? एम का। 11 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे? 12। 12 किसका होगा बच्चे? L का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? टी जे एम एल। क्लियर है कि नहीं, आया समझ में? आया ना? देख लो ध्यान से, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे? तो इसको इस तरीके से नोट करके लिख लो और ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया सभी? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से बच्चे अभी मैंने आपको सबसे पहला पैटर्न पढ़ाया फॉरवर्ड। तो सबसे पहले मैं पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, तीन पैटर्न पहले पढ़ाऊंगा, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। जब तीनों पढ़ा दूंगा एक एक एग्जांपल के साथ, उसके बाद फिर मैं लाइन से प्रैक्टिस के क्वेश्चन रखूंगा तीनों पैटर्न का एक साथ। फिर प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न से आता है, क्रॉस पैटर्न से आता है। किससे आता है? जब पेपर में टफ क्वेश्चन आएगा तो क्रॉस पैटर्न कराएगा। इजी तो फॉरवर्ड है, क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ पहला पैटर्न क्लियर हुआ सभी बच्चों को? कोई तकलीफ है? तो ये बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं। कोई दिक्कत है बच्चे? कोई प्रॉब्लम है? चलिए तो अब एक क्वेश्चन और चलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न अगर आपको क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। पहला लिख लिए सब लोग, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया है। अब देखो बच्चे, सबसे पहला पैटर्न तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न में, ठीक है? यहां तक कोई तकलीफ है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहे ना, समझ में आ रहा है? पहला पैटर्न आपको क्लियर था, अब दूसरा पैटर्न जो होता है बच्चे, लेकिन दूसरा पैटर्न डायरेक्ट चेक नहीं करना है, सबसे पहले पहले पैटर्न को चेक करना है। अगर पहले पैटर्न में काम नहीं बनेगा तब कौन से पैटर्न के पास जाना है? दूसरा। अगर दूसरे पैटर्न में भी काम नहीं चलेगा तब किस में जाना है? तीसरे। क्लियर है कि नहीं? तो सेकेंड पैटर्न होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पैटर्न? रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं बच्चे? रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं बच्चे? रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न क्या होता है, अब हम इस बात पे बात करेंगे, ठीक है? रिवर्स पैटर्न क्या होता है, जैसे कोई शब्द है और शब्द में कितने अक्षर हैं? 4। कितने अक्षर हैं? 4 या 5, जितने भी हो। अब दूसरा शब्द जो कोड किया गया है उसमें भी 5 अक्षर है, क्लियर है कि नहीं? रिवर्स पैटर्न क्या बोलता है बच्चे, सीधा सीधा कि पहला अक्षर आखिरी अक्षर की तरह कोड किया गया होगा। रिवर्स मतलब पीछे से, पहला किसकी तरह? आखिरी। और दूसरा सेकेंड लास्ट, तीसरा थर्ड लास्ट, चौथा फोर्थ लास्ट, पांचवा फिफ्थ लास्ट। इसको बोलते हैं कौन सा पैटर्न बच्चे? रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं बच्चे? रिवर्स पैटर्न। फिर से बोलता हूं, पहला अक्षर किसकी तरह होगा? आखिरी। सेकेंड अक्षर सेकेंड लास्ट, थर्ड अक्षर थर्ड लास्ट, फोर्थ अक्षर फोर्थ लास्ट, क्लियर है कि? इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? रिवर्स। इसमें भी बच्चे लॉजिक कौन सा होगा, वही प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन देख के समझ में आता है। समझ में आ रहा है? तो दूसरा पैटर्न का नाम क्या है? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न इस तरीके से काम करता है।
अब आप पहले कभी भी ऐसा आपको सपना थोड़ी आएगा कि सर ये रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन आया, तो आप पहले फॉरवर्ड को ही चेक करेंगे, नहीं काम बनेगा तब रिवर्स के पास जाएंगे, और रिवर्स में भी काम नहीं बनेगा तो क्रॉस के पास जाना पड़ेगा। फिर सात पैटर्न बताऊंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रायोरिटी किसको देखनी, पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, फिर क्या देखना है। जिस दिन आप ये सीख जाओगे और इसके अनुसार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? ठीक है, तो अब बच्चे हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? इसकी नंबरिंग। तो ये बताओ एच का नंबर क्या होता है? बिना नंबरिंग के नहीं पता चलेगा। एच का 8 हो गया, ए का 1, एन का 14, डी का, अब आपको समझ में नंबरिंग क्यों याद कराया गया, क्लियर है कि नहीं? देन बच्चे ई का बताइएगा कितना होता है? 5। ओ का कितना होता है बच्चे? 15। बी का होता है 2 और आई का क्या होता है बच्चे? 9। नंबरिंग क्लियर है बच्चे? अब आपके सामने नंबरिंग लिखे हैं, तो एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना है सर कहीं ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। ये 8 से सर कितना कम हो रहा है? 5 हो रहा है, मतलब 3 कम हो रहा है, हाँ या ना? सर ये 1 से कितना अधिक हो रहा है? 14। तो पहले 3 कम और फिर 14 अधिक, ऐसा कोई ऑर्डर बट बैठ रहा है क्या? कोई लॉजिक तो बैठ नहीं रहा है, हाँ या ना? देखो 8 से 3 कम करेंगे तो 5 होगा, लेकिन 1 से 14 बढ़ाएंगे तो 15 होगा, लेकिन 14 से फिर 12 कम करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। क्या नहीं बैठ रहा है? लॉजिक। इसलिए बच्चे पैटर्न नंबर 1 यहां पे क्या हो जाएगा? फेल। क्या हो जाएगा? फेल, क्योंकि पैटर्न 1 फॉरवर्ड में कोई काम ही नहीं बन रहा, अजीब सा लॉजिक आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? तब आप दूसरे पैटर्न में आएंगे। कौन से पैटर्न में आएंगे? दूसरे में। अब दूसरा पैटर्न देखेंगे तो यहां पे कौन सा नंबर है? 8 और यहां पे क्या है? 9। दिख रहा है ना? तो रिवर्स पैटर्न में कितना ऐड कर रहा है? प्लस, हाँ या ना? फिर देखिए ये 1 है और ये कितना है? 2 है। कितना कर रहा है यहां भी? प्लस 1। यहां पे भी 14 है, यहां पे भी 15 है, कितना कर रहा है? प्लस 1। यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, क्या कर रहा है? मतलब आप कंफर्म हो गए कि सर पैटर्न कौन सा है? रिवर्स है, और रिवर्स में लॉजिक कौन सा लग रहा है सर? प्लस 1 लग रहा है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चे? अब इसी पैटर्न और इसी लॉजिक के हिसाब से यहां पे जवाब देना होगा, तो चलिए जवाब देते हैं। एस का नंबर जल्दी से बताइए कितना होता है, बोलिए बच्चे। आई का क्या होता है? 9। और एल का बताइए? 12। और के का बताइए बच्चे? 11। क्लियर है कि नहीं? अब आप अगर रिवर्स में जाएंगे और आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे? प्लस 1। क्या करना पड़ेगा? प्लस 1। तो 19 का 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चे? 9 का 1 बढ़ाएंगे तो बच्चे? 12 का 1 बढ़ाएंगे तो बच्चे? 11 का 1 बढ़ाएंगे तो अच्छा 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है बच्चे? जे का तो 10 होता है, के का 11, एल का 12। 13वें नंबर पे कौन होता है सर? एम। 10वें नंबर पे जे, और 20वें नंबर पे ये हो जाएगा सर आपके क्वेश्चन का क्या जवाब। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है, हाँ या ना? जब आपका फॉरवर्ड पैटर्न काम ना करे तब आप किसके पास जाएंगे? रिवर्स के पास। समझ में आए? तो दोनों एग्जांपल क्लियर है, कोई तकलीफ किसी बच्चे को? तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अभी मैथ्स की क्लास जो होगी वो नीचे रखेंगे, देख लेते हैं एक बार कितने स्टूडेंट है, कम स्टूडेंट होंगे तो ऊपर ही रखेंगे, नहीं तो फिर नीचे चलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो अभी के लिए इतना काफी है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे, और कल इसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो कल का क्लास भी इसी में लगेगा, और उसके बाद फिर मैं बच्चे सीधा सा वापस आऊंगा किस पे, इसका फिर पैटर्न 2 के बाद पैटर्न 3, पैटर्न 3 के बाद पैटर्न 4, टोटल कितने पैटर्न है? 7। तब जाके लेटर कोडिंग कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद किसमें आएंगे? नंबर कोडिंग, फिर किसमें आएंगे? मिक्स कोडिंग। समझ में आ रहा है? तो अभी के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है ना।